विजेता वो नहीं बनता जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनता है जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू गदा मेथड। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको हैविंग का यूज दिया था और आज हम लोग ASO क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको फेसबुक पेज गधा मेथड्स में दे दिया था क्वेश्चंस, उसी क्वेश्चंस को ला के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए इसमें जो ग्रामेटिकल पार्ट आएगा मैं सारे आपको बता दूंगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो फिलर है। सर फिलर जो दिया है, सबसे पहले यहाँ पे डबल फिलर दिया गया। सर डबल फिलर उतना डिफिकल्ट नहीं है, हमेशा फोकस करिएगा सेकेंड से। आप अगर सेकेंड से बना रहे हो तो आपको इजीली बन जाएगा। पहले से बनाओ, थोड़ा सोच समझ के बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सेकेंड से बना रहे हो थोड़ा इजीली बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहला क्वेश्चन मेरा सामने दो वर्ड पड़ा, पहला पड़ा वैरायटी, दूसरा पड़ा डॉक्टर। यहाँ पे जो दिया गया हम लोग को क्वेश्चंस पूछता है, मैच द फॉलोइंग्स ना लाइक द फॉलोइंग्स ना शेयर द फॉलोइंग्स। वहाँ पे होता है मैच द फॉलोइंग्स। आप लोगों को याद होगा जब आप दुकान जाते हैं कोई वैरायटी का साथ, आपका रिक्वायरमेंट हमेशा आप लोग मैच करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैच दे रखा है। ये होगा पहला तरफ से। अगर मेरे हिसाब से आप सेकेंड तरफ से जाओगे तो सेकेंड तरफ से आपको देखो यहाँ पे डॉक्टर दिया। सर डॉक्टर कभी स्ट्रगल नहीं करते हैं। डॉक्टर एंथुसियास्ट मतलब होता है एनर्जेटिक, बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट उनका सामने क्या होता है ना, चैलेंज होता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी का वर्कर दिया होता, अगर प्राइवेट सेक्टर का दिया होता तो मैंने वर्कलोड चुनता, बट यहाँ पे डॉक्टर हैं, किसी पेशेंट को बचाने उनका सामने हमेशा चैलेंजेस होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन होगा सी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्पेशल वर्ड है वो है सियर। ये चीज आपको थोड़ा पता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। इसका मतलब होता है पुटिंग एफर्ट्स और पुटिंग फोर्स, किसी का आप बल प्रयोग करना या एफर्ट्स डालना, उसी का सेंस में हम लोग सियर यूज करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया ना? क्वेश्चन नंबर टू में पहले मैं थोड़ा वर्ड डिस्कशन करता हूँ, फिर क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पे दिया एंडोवर्स। एंडोवर्स का स्पेशली जो मीनिंग है, इसका मतलब विशेष भी हो सकता है, इच्छा भी हो सकता है, उसी का सेंस में हम इसको यूज करते हैं। रही बात विशेष, आपको पता है, दूसरा एफर्ट्स आपको पता है, ये वर्ड एग्जर्ट्स आपको नहीं पता होगा। एग्जर्ट्स का मतलब होता है अप्लाई करना, और इसका मतलब भी होता है पुटिंग एफर्ट्स, ये भी उसका मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट एक वर्ड लिखा गया इंट्रीग। इसका मतलब होता है इसी, जैसे बोलते हैं ना क्यूरोसिटी, अपना मन में इच्छा को बढ़ा देना, क्यूरोसिटी को बढ़ा देना, अराउज द क्यूरोसिटी, इसी का सेंस में हम इसको यूज करते हैं। ये भी इंटरेस्ट का सिनोनिम होता है, बट ये मन में ज़्यादा उत्साह जो बोलते हैं ना, उसी सेंस में हम इसको यूज करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को चलते हैं। द इंस्टीट्यूशन डास टू पॉपुलराइज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग द यूथ। ओ यूथ का अंदर अपना पॉपुलरिटी बढ़ाना चाहता है, तो क्या है ना, जिसका इच्छा है, जैसे कि आई विश टू डू सो, मेरा मन में आता है कि मैं ये कर सकता हूँ। विच हैज लॉस्ट, जो ऑलरेडी लॉस्ट किया विद द कल्चरल रूट्स, क्या लॉस्ट किया ना, इंटरेस्ट लॉस्ट किया है ऑलरेडी, उसका इच्छा है कि ये जो यंग इंडियन है और यूथ है उसी का अंदर या अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा पहला वाला होगा विशेष, दूसरा वाला होगा इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम। यहाँ पे मेन कारण जो क्रिटिक्स है, प्रॉब्लम है, अगर आपका पास प्रॉब्लम है तो ये किस तरह प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे नेगेटिव वर्ड खोजेंगे। यहाँ पे दो वर्ड आपको मिला नेगेटिव वर्ड, अगर डिफेक्टिव और सीवियर मिला तो यहाँ पे राइट साइड ऑप्शन में क्या होगा, मैंने बोला हमेशा सेकेंड से हिट करना। सेकेंड से हिट करेंगे तो कैसा कॉम्पिटिशन होता है, डिफेक्टिव कॉम्पिटिशन तो नहीं होता, सीवियर कॉम्पिटिशन होता है, इसलिए आंसर होगा डी। तो मैं क्या कर रहा हूं, शायद आपको समझ में आ रहा है, मैं सीधा राइट साइड से फोकस कर रहा हूं, लेफ्ट साइड को नहीं जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर पे दिया गया चूज द अल्टरनेटिव वर्ड, ये सिंगल वर्ड दिया है
जिसको आप वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सर दिया गया पहले वर्ड देखते हैं फिर आंसर मार देंगे। पहला दिया डिक्शनरी, ये आपको पता है जहां पे वर्ड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया वहां को हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। दूसरा होता है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब है कि जहां पे नेम और एड्रेस दोनों एक साथ रहता है, किसका, नए के ग्रुप का नहीं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी। और द फाइल कंटेंट्स नेम और एड्रेस ऑफ पर्संस और एम्प्लॉई और ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी। एंथोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, एंथो मतलब होता है पोएम, यहाँ पे स्टडी ऑफ पोएम उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। जो बुक समराइज्ड इंफॉर्मेशन कैरी करता है सारे ब्रांचेस का उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ये आप लोग को पता है किसी चीज का भी एनसाइक्लोपीडिया होता है, हॉल इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है उसको हम बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। तो इनसाइक्लोपीडिया होगा इसका आंसर। पाइप में दिया हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग, कोई चीज को आप छुप छुप के सुन रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं ना, छुप छुप के मतलब होता है कि कोई प्राइवेट बात कर रहा है आप जाके उनको सुन रहे हैं। तर ये जो सेंटेंस लिखा है लिसनिंग द प्राइवेट कन्वर्सेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होगा उसका आंसर। इसका मतलब होता है कोई चीज को छुप के सुनना, ये होगा उसका आंसर। मैं सबका मीनिंग बोल देता हूँ। स्पाइंग, स्पाइंग मतलब होता है छुप छुप के काम करना, खुफिया। स्पेलिंग आप लोग जानते हैं। मोरमोरिंग मतलब होता है कोई चीज को स्लो साउंड करके बोलना, जिसको आप बोलते हैं गुनगुनाना, उसको बोलते हैं मोरमोरिंग, और कुछ लोग उसको मोरमोरिंग भी पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब होता है तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, ये कोई डेट और इवेंट को सेलिब्रेशन करना, ये टाइम नहीं दिया, यहाँ पे आंसर होगा एनिवर्सरी। मैं सबका बारे में बोल देता हूँ, बर्थडे ये कोई बर्थडे ही हो सकता है, बट यहाँ पे बोला कोई भी डेट एंड इवेंट, कोई यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं दिया, इसलिए एनिवर्सरी हर चीज का होता है, चाहे एक दुकान का हो, चाहे आदमी का मैरिज का हो, चाहे कोई भी हो, एनिवर्सरी हर चीज का होता है। दूसरा वाला होता है कि जुबली, ये हर 25 इयर्स में पालन किया जाता है, इसको हम बोलते हैं जुबली। तो नेक्स्ट सेंटेनरी, इसका मतलब होता है 100 ईयर सेलिब्रेशन, उसको हम बोलते हैं सेंटेनरी। ये सारे हैं इसका मतलब और आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया इंप्रूवमेंट करने, ये पार्ट अगर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो इसको करेक्शन करो, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट मार के छोड़ दो, ये उसका बेसिक फंडा है। बट हमको क्या करना है ना, हमको चेक करना है ये सही है ना गलत है। इसमें एक स्पेशल वर्ड है, क्या है ना, ड्रिम्ट है ना। ड्रिम्ट हमेशा अपना साथ क्या कैरी करता है ना, हमेशा अपना साथ ऑफ कैरी करता है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑफ वाला ऑप्शन एक ही है, देखो ए है। सर इस तरह कुछ वर्ड्स है जो रेगुलर ऑफ कैरी करते हैं, कैसे कैसे ना सर, टायर्ड ऑफ, वर्दी ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन लिव ऑफ, ये मैक्सिमम वर्ड हैं जो अपना साथ हमेशा ऑफ कैरी करते हैं, तो यहाँ पे ड्रीम्ड है इसलिए मैंने ऑफ जोड़ दिया। बोले सर यहाँ पे तो हम एट भी लगा सकते थे, अगर एट लगाना था तो यहाँ पे ड्रीम्ड का जगह पे ये लिखना जरूरी है, ये होता तो मैंने यहाँ पे एट जोड़ देते, क्योंकि एम हमेशा अपना साथ एट कैरी करता है, बट यहाँ पे ड्रीम्ड है इसीलिए मैं यहाँ पे ऑफ जोड़ा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम पैटर्न का है, इसमें कोई इधर उधर नहीं दिया। मैं यहाँ पे पहले आपको एक सेंटेंस बताता हूँ जो आपका रेगुलर क्वेश्चन है, आज भी किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन व्हाट्सएप में पूछा था, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। इसको ये एरर में पूछता है, मैक्सिमम टाइम एरर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम टाइम एरर है आपका एसएससी ओएसएससी का, ये कॉमन क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सर यहाँ पे गलतियाँ ये हैं, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है, कौन जा रहा था, किसको अटैक हुआ, कौन जा रहा था, इसी तरह सब्जेक्ट मिसिंग है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे कौन जा रहा था, कुत्ता जंप किया ना, मैं जा रहा था, देखो यहाँ पे मी है, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा ना, सब्जेक्ट तो यहाँ पे आई लगेगा बट उसका पीछे ये लगेगा, क्या लगेगा ना, वाइल। सेंटेंस क्या होगा ना, वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क
द डॉग जम्प्ड एट मी, ये होगा कंप्लीट सेंटेंस, इसको थोड़ा याद रखिएगा। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहां दिया। सिटिंग ऑन द हिल, देखो सब्जेक्ट मिसिंग है, अगर मिसिंग है कोई बात नहीं, ऐसा सेंटेंस भी हम लोग लिखते हैं, बट दूसरा वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट देते हैं, सॉन थोड़ी सिटिंग किया था, ये गलत है सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ना, हिम है तो यहाँ पे ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे भी मिस किया तो यहाँ ही लगाना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसीलिए आपको दोनों साइड में कहीं भी एक सब्जेक्ट को यूज करना है, नहीं तो सेंटेंस इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए हम चेक किए कौन सा सेंटेंस में सब्जेक्ट दोबारा दे दिया गया। देखो एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट दे दिया गया जहां पे ही है। सर ही अगर नहीं जोड़ेंगे इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। बहुत सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, जैसे लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई डू दिस, देखो आई जोड़ा उधर, तो आई जोड़ेगा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, इसमें दोबारा सेंटेंस जोड़ना जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे देखो दोनों साइड में ही मिसिंग है तो ये सेंटेंस इनवैलिड हो जाएगा। अगर सॉन यहाँ सब्जेक्ट बनाया तो ये सेंटेंस का वैल्यू भी सॉन का होना चाहिए, बट लिखा है सिटिंग ऑन द हिल टॉप, सॉन थोड़ी हिल टॉप पे बैठेगा, तो यहाँ पे ही में है इसीलिए इसको जोड़े हमने ही में। मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में मिसिंग है और ये रेगुलर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। थैंक यू।